मैम यू आर म्यूटेड। यस ओके थैंक यू बेटा। ठीक रही वास्ते का, दोबारा रिपीट कर रही है कविता। रही वास्ते का तो समय ने एक ना मनी, वास्ते का ता मीनिंग है मिंता करनिया, तरले करना। ठीक है तुहानू कविता दे बेटा मीनिंग भी आने, टेस्ट विच भी ते एग्जाम दे विच भी दोन्ने मीनिंग आने, जिते जो इक्को मीनिंग आवे। हुण तुहानू 6-7 क्लास नहीं है, एमसीक्यू पेपर आना है, दो अर्थ है तुहानू दोन्ने मीनिंग आ जांदे है, तरले करना या मिंता करनिया। इस कविता दे विच कवि ने अपने आप नू इसी रूप विच बयान कीता है। किस रूप विच? इसी रूप विच बयान करदे है कि उसने समय नू बहुत ज्यादा रोकण की कोशिश की, पर समा अपनी चाल चलता ही गया। फड़फड़ रही तरीक, तरीक शब्द अर्थ है खिंचना। ठीक है उसने समय नू अपने वाल खिंचन की कोशिश की, पर समा जिहड़ा कि पल्ला छुड़ा के अगे ही अगे निकलता गया। अटक जो पाए पन्नी, अटक मतलब रुकावट, अटक रुकावट। कवि ने समय के रस्ते बहुत सारिया रुकावटा खड़िया कीतियां, पर जिहड़ा समा है जिहड़ा कि अपनी चाल चलता ही गया। भाव कि मनुख चाहे जिन्नी मर्जी समय के रस्ते दे विच रुकावटा खड़िया कर लवे, पर जिहड़ा समा है वह अपनी चाल चलता ही रहिंदा है। त्रिखे अपने वेग, त्रिखे मतलब तेज, त्रिखे का की मीनिंग है तेज, त्रिखा मतलब तेज। त्रिखे अपने वेग, वेग का की मतलब है वेग जड़ी की चाल, वेग चाल। ठीक है वेग मतलब चाल, त्रिखे मतलब तेज, भाव की समा है अपनी तेज चाल चलता ही गया। क्या टप बन्ने बन्नी, भाव की बन्ने बन्नी हर सीमावां नूं, हर सीमा नूं पार करता होया जिहड़ा समा है अगे ही अगे निकलता गया। हुण किदां ब्लैंक किता आएगी, रही वास्ते डैश। सतर पूरी करो, सतर दा मीनिंग ना लाइन, मैनूं भी पता होना चाहिए। ठीक है सतर पूरी करो भी लिखिया आ सकदा, कल्ला डैश भी लिखिया आ सकदा। ठीक है तुहानूं पता होना चाहिए रही वास्ते डैश, फिर उत्ते की आएगा कत। ठीक है या फटाफट डैश रही तरीक। ठीक है जा आएगा जिवें किवें डैश सकी डैश, किवें डैश सकी डैश, किवें ना रोक, ठीक है सकी रोक। क्लियर है? इस करके कविता भी तुहानूं अच्छी तरह आ जाए। 1 मार्क्स क्वेश्चन जिहड़ा कि कैसा जरूर आना है ब्लैंक दे रूप दे विच। ठीक है 1 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं। ओ सख ओ अज समय, ओ अजे संभाल इस समय नूं। ठीक है कवि की कह रहे हैं कि हले देखो टाइम है, समा है। ठीक है तू समय की संभाल कर, ओनू जिहड़ा कि व्यर्थ ना गवा। कल सफल उड़ंदा जावे, उड़ंदा जांदा मतलब उड़ता जा रहा, हथों निकलना, उड़दा मतलब हथों निकलना, उड़दा का की मीनिंग है हथों निकलना, उड़ंदा। इसलिए जो नहीं कविता तो लगे भी है तो बड़ी इजी कविता का केंद्रीय भाव करना कहना मुश्किल है, पर नहीं क्योंकि हम तुम एमसीक्यू से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है हरेक वर्ड का मीनिंग पता, कविता जो नहीं बड़ी इजी है, छोटी जी है, पर एमसीक्यू पेपर 9th क्लास है, इसलिए तुम ओर मीनिंग ब्लैंक। ठीक है किस रूप से बयान करता है हर एक, हरेक तुम कोई वर्ड का मीनिंग जो पता होना चाहिए, क्लियर होएगा तो एमसीक्यू कर सकोगे, नहीं तो नहीं। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਣਾ, ਠਹਿਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਰੁਕਣਾ, ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਘੜੀ, ਮਨੁੱਖ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਘੜੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ,
ठीक है। हुण तुहाडे सिलेबस च दो है फिर दोनों नेम आ गए ठीक है, साकी का मेला भी लिखे आएगा फिर। विसाखी का मेला तो है ही नहीं, विसाखी धनी ना छात्री थी मैं कह रही हूँ, थोड़े सिलेबस आ जाए, सिलेबस नहीं आए दूसरिया नहीं आ रही है ठीक है, जी थोड़ी सिलेबस चाहिए आएगी ठीक है। पल्ला छुड़ा के कौन किसर गया है, समा हाँ समा मनुष्य या परमात्मा, कवि ने किस रूप में अपने आप में बयान किया, स्त्री रूप में। त्रीक शब्द का की अर्थ है, खिंचना खिंचना, त्रीक का अर्थ है खिंचना, वेग का अर्थ चाल, त्रिखे का तेज, उड़ंदा या उड़दा जांदा, ठीक है उड़ंदा मतलब उड़दा जांदा भी वर्ड लिखे होना एमसीक्यू। जामदा मतलब जागदा, जानदा जांदा कि जाना, जानदा जानदा, जिन करना नाड़ा तो दिन करना जानदा। आमदा आमदा अपना आखना के जानदा आमदा ठीक है। त्रिखे तेज, समाकर्ता विच किस नु रोकने की कोशिश की गई है, समय नु। समाकर्ता किस नु संभालने लिए किया गया है, समय नु। अटक तो की भाव है, अटक रुकावट ठीक है, जिवें है इच ऑप्शन है सुनो, जी जेड़ा रुक ना सकता होवे, एक सेकंड, अटक शब्द आता है ए ऑप्शन है उड़ा, जेड़ा रुक ना सकता होवे, जिसनु रोकया ना जा सकता होवे, जो सदा स्थिर होवे ठीक है, जो चला गया होवे, हाँ जिसनु रोकया ना जा सके। हुण देखो जिस जेड़ा रुक ना सकता होवे, यह गलत है ठीक है, जिसनु रोकया जा सके, ध्यान ना ऑप्शन सुन ठीक है, पढ़नी है सुनी ना ठीक है। अटक तो की भाव है, जेड़ा रुकना जेड़ा रुक ना सकता होवे मतलब वो आप नहीं रुक सकता, जिसनु रोकया जा सके मतलब अपना समय रुक नहीं सकता, रोकया नहीं जा सकता, मतलब ऑप्शन करेक्ट की जिसनु रोकया नहीं जा सकता, उन्हें तो ऑप्शन उड़ा तो जेड़ा दोनों भी लिखे आ सकते ठीक है, पर करेक्ट की है जिसनु रोकया ना जा सके, सही आंसर लिख लो। सफल होने लिए की करना चाहिए है, समय की कदर है एक ऑप्शन, मेहनत सवेरे जल्दी उठ के पढ़ना, सारे सम्मान करना ठीक है, नहीं समय की कदर करना, समय की कदर करना, कविता रिकॉर्डिंग कविता रे कविता रिकॉर्डिंग की, समा अपनी गति ना चलता रहता है, हाँ ना या दोनों, हाँ समा कविता दे विच कवि ने समय का केड़ा सुभा दस्या है, स्थिर चलायमान धीमी चाल कोई नहीं, चलायमान चलायमान में चलते रहना। कविता विच किस नू सफल करने किया, सफल करने लिए किया गया है, मनुख नू समय नू दौड़ नू ए सारे, समय नू समय नू समय की संभाल करो, समय के अकॉर्डिंग चलो ताई तुसी सफलता हासिल करोगे ठीक है, समय नू। नेक्स्ट है आधुनिक कविता दे मोढ़ी किसनु किया गया है, भाई वीर सिंह दे बारे ठीक है, एक बार तुहानू दस दिनी आ भाई वीर सिंह दा जन्म कदों होया सी, भाई वीर सिंह दा जन्म होया सी बेटा 5 दिसंबर 1872 नू, 5 दिसंबर इन्हां दे पिता दा नाम सी चरण सिंह ठीक है, ते माता दा नाम सरदारनी उत्तम कौर, पिता दा चरण सिंह हां आना है बेटा वो करवाना है, सरदारनी वो करवाना है, उत्तम कौर पिता चरण सिंह, सरदारनी कौन सी उत्तम कौर, ते कित्थे होया अमृतसर, नहीं कीते ते लिख लो, नहीं अमृतसर होया। इस अलावा बेटा इन्हें आदमी कवितावां दे जन्मदाता कहा जाता है, आदमी कविता दे मोटी भी लिख सकते हैं, मोटी शब्द भी आ सकता है, जन्मदाता भी आ सकता है, इन्हें आदमी कविता दे मोटी भी लिखा जा सकता है ते जन्मदाता। इन्हों इस तो अलावा छोटिया कवितावान दे
महान कवि लिखवाया सी ना बाद च मैं, ठीक है, छोटियां कवितावां ते महान कवि भी कहा जा सकता है, जां छोटियां कवितावां दी शुरुआत है वह भाई वीर सिंह ने की सी, छोटियां कवितावां जिहड़ी शुरुआत है निक्कियां निक्कियां, ठीक है, शुरुआत भाई वीर सिंह ने की सी, जां छोटियां कवितावां दे महान कवि भी इन्हां नूं कहा जा सकता है, ठीक है। इन्हां दी बेटा साहित्य नूं तेल गिनात्मक ते गुणात्मक पक्ष दोनों है भी वर्ड लिखवाए सी, लिखवाए है गिनात्मक ते गुणात्मक, भाव की गिनती दे तौर ते भी ये काउंटिंग काफी सारे गिनात्मक होंगे काउंटिंग दे तौर ते, गुणात्मक गुना दे तौर ते, एना लिख लो एना दी साहित्य नूं देन गिनात्मक, गिनात्मक मतलब काउंटिंग दे तौर ते, गिनात्मक ते गुणात्मक बहुत भी लिखी आ सकता है, कला एक भी आ सकता है, गुणात्मक मतलब ठीक है वधिया कवितावां चंगिया कवितावां गुना दे तौर ते, ते गिनात्मक काउंटिंग काफी सारिया, ठीक है, इन्हां दी साहित्य नूं देन गिनात्मक ते गुणात्मक दोनों दे तौर ते इन्हां दी जिहड़ी की देन दित्ती जांदी है। इस तों इलावा बेटा इन्हां ने बहुत सारिया कवितावां लिखिया सी, जिवें राणा सूरज सिंह, लहरा दे हार, बिजलियां दे हार, मेरे साईओ जियो, ते मेरे साईओ जियो नूं इन्हां नूं अवार्ड भी मिलिया सी, किहड़ी पुस्तक नूं अवार्ड मिलिया सी, मेरे साईओ जियो नूं किहड़ा साहित्य अकादमी वालों पुरस्कार कितों मिलिया सी, साहित्य अकादमी वालों पुरस्कार मिलिया गया। तो इस तों इलावा इन्हां नूं उपाधि दित्ती गई सी किहड़ी, पद्म भूषण दी उपाधि सी पद्म भूषण, ए उपाधि सी, ठीक है, ए पद्म भूषण इन्हां नूं उपाधि नाल भी सन्मानित किया गया, ठीक है, क्लियर है सानू। हुण क्वेश्चन है आधुनिक कवितावां दे मोटी किहनूं कहा जांदा है, छोटियां कवितावां किन्ने लिखण शुरुआत किन्ने, छोटियां कवितावां दे महान कवि, ठीक है, उहनां दे पिता दा नाम चरण सिंह ते माता दा नाम सरदारनी गुप्तम कौर, ए बेटा ध्यान नाल याद करना, देखो 5 दिसंबर भी आ सकदा है, ठीक है, 5 सितंबर भी आ सकदा है, या 1870 भी आ सकदा है, 1862 भी आ सकदा है, ठीक है, प्रॉपर 5 दिसंबर 1872 ते अमृतसर दे विच होया, ठीक है, पिता नाम चरण ते माता नाम सरदारनी ते अमृतसर दे विच होया, लहरा दे हार, बिजलियां दे हार, मटा खुलारे ते मेरे साईओ जी उन्हां दी महान पुस्तकां सन, इन्हां ने नावल नाटक ए भी लिखवाया, ठीक है, उत्थे ऑप्शन आ इन्हां ने साहित्य केड़ी केड़ी रचना कीती, ठीक है, इन्हां ने केड़ी केड़ी रचनावां कीती, उत्थे आया साहित्य साहित्य नावल नाटक कवितावां या सारे प्रोकर पे सारे या एक कोई होर भी लिखिया आ सकदा, ठीक है, इस करके तुहानूं नावल नाटक ते कवितावां जो भी लिखवाया तुहानूं याद होना चाहिए, नहीं कहानियां नहीं लिखा, साहित्य दे रूप ही है नावल नाटक ते कहानियां की अभी आ सकदा, हाँ नावल नाटक ते कवितावां की हन साहित्य दे रूप हन, हाँ लिख लो नावल नाटक ते कवितावां की हन साहित्य दे रूप है, लिटरेचर एक पार्ट है, ठीक है, लिखे भाई वीर सिंह साहब कविता, ठीक है, भाई वीर सिंह बारे राइटर दे बारे ते समा कविता दे बारे, ओके, नावल नाटक कविता कहानियां भी होंगे वैसे इन्होंने लिखिया, ठीक है, कहानियां हो गया जो भी आप लिटरेचर पढ़ते लिटरेचर बुक पढ़ते हैं ना, ठीक है, लिटरेचर बुक की होंगे सी वार्तक लेख भी होंगे सी कवितावां भी होंगे सी नाटक भी होंगे सी कहानियां होंगे सी, मतलब लिटरेचर साहित्य एक पार्ट मिला कि बेटा, के इस तो इलावा बेटा सानू वार्तक अणडिठा वार्तक पैरा आना है, दो पैरे आने वैसे एग्जाम दे विच सानू एक अणडिठी काव्य टुकड़ी आनी है ते 10 मार्क्स दा अणडिठा वार्तक पैरा आना है, 10 मार्क्स दो पैरे एमसीक्यूज दे, ठीक है, जो ही नहीं सिंपल क्वेश्चन आणगे, ठीक है, उहदे विच कोई ग्रामर दा क्वेश्चन भी हो सकदा है, ठीक है, क्वेश्चन नूं घुमा फिरा के, ठीक है, ब्लैंक्स दे रूप विच कोई भी मतलब जो तुहाडे सिलेबस ग्रामर दा पार्ट है उही आएगा, जो तुहाडे सिलेबस विच ग्रामर दा पार्ट ना उहदे विचों ही आएगा, ठीक है, इस तों इलावा क्वेश्चन पहले नूं ध्यान नाल पढ़ के उहदे आंसर या उहदे विच जो नहीं सेम वर्ड उह लिखिया होवे जो वर्ड है, ठीक है, उहदे विच दित्ता होया बुक उहदे विच, ठीक है, पहले भी दित्ता उही वर्ड तुहानूं क्वेश्चन विच भी दित्ता जाए, ठीक है, उहदा मीनिंग करके भी दे सकदे आ, ठीक है, भाव कि जिवें उत्थे हुण जे सपोज करो उत्थे रुकावट, ठीक है, उत्थे पहले विच अटक शब्द लिखिया ਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਟਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ,
ठीक है, इस करके जरूरी नहीं है जरा क्वेश्चन है पहले वाला सेम वर्ड लिखा हो, ठीक है, ओदा मीनिंग भी लिख सकते, ठीक है, इस करके पहले नु एक अद्धा क्वेश्चन ऐसा भी होगा पहले नु पूरा ध्यान ना पढ़ना है, ठीक है, तो फिर मीनिंग भी सोचना है, ठीक है, जी क्वेश्चन ऐसा आया फिर मीनिंग सोचना, मेरा मीनिंग क्या हो सकता है, फिर ऐसा आंसर है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, अंडिठा पैरा, ठीक है बेटा, एक मैं अंडिठा पैरा करवानी है ध्यान ना सुनो, ठीक है, बुक लेके ले नोट कर लो थोड़ा थोड़ा नाल नाल, ठीक है, अज दा मनुख पैसे दे पिछे, नोट करो पहला, अज दा मनुख अज दा मनुख पैसे दे पिछे, अज दा मनुख अंडिठा वार्तक पहला पैसे दे पिछे आज दा मनुख पैसे दे पिछे अन्ने वाह दौड़ी जा रहा है, अन्ने वाह दौड़ी जा रहा है, पांच रुपए मिलन ता दस, पांच रुपए मिलन ता दस, आज दा मनुख पैसे दे पिछे दूसरे पैरे खड़ा मैम लगे अन्ने वाह दौड़ी जा रहा है, पांच रुपए मिलन ता दस, दस मिलन ता सौ, दस मिलन ता सौ, सौ मिलन ता हजार, दी इच्छा लई ओ अन्नी दौड़ भी शामिल है, दी इच्छा लई ओहो अन्नी दौड़, अन्नी दौड़ भी शामिल है, पांच मिलन ता दस, दस मिलन ता सौ, सौ मिलन ता हजार, दी इच्छा लई अन्नी दौड़ विच अन्नी दौड़ भी शामिल है, हाँ इच्छा लई ये इच्छा है, हाँ इस दौड़ दा कोई अंत नहीं, इस दौड़ दा लिख लो बेटा, इस दौड़ दा कोई अंत नहीं, वो अन्नी दौड़ भी शामिल है, अन्नी दौड़ भी शामिल है, इस दौड़ दा कोई अंत नहीं, पैसे दी, पैसे दी इस दौड़ भी सारे, पैसे दी इस दौड़ भी सारे मानवी ते परिवारक, पैसे दी इस दौड़ विच सारे मानवी यही तो मीनिंग पूछने ते परिवारक है, मानवी ते परिवार ही ते क्वेश्चन है विच, मानवी ते परिवारक पैसे दी इस दौड़ विच मानवी ते परिवारक संबंध किते पिछे रह गए हन, पैसे दी इस दौड़ दे विच मानवी ते परिवारक संबंध किते पिछे रह गए हन, किते पिछे रह गए हन, मैं पीडीएफ बना के ना ग्रुप भी थोड़ा सेंड करूंगी, ठीक है, हां जी, ठीक है, आप टुकड़ियां पैसे इस दो, हां इस दौड़ दा कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं, मनुख अपने पराए दा भेदभाव भुल गया है, मनुख अपने पराए दा, मनुख अपने पराए दा भेदभाव, अपने पराए दा भेदभाव, भेदभाव भुल गया है, उस कोल अपने बच्चियां लई अपनी पत्नी लई, इस पैसे इस दौड़ भी सारे मानवी ते परिवारक संबंध पिछे रह गए हन, वो अपने पराए दा, मनुख अपने ते पराए दा भेदभाव भुल गया है, उस कोल अपने बच्चियां लई, उस कोल अपने बच्चियां लई अपनी पत्नी लई भी समा नहीं है, अपने बच्चियां ते अपनी पत्नी समा नहीं है, पैसे दे लई पुत्र दा प्यो दे नाल, पैसे लई, पैसे लई पुत्र दा
पुत्र दा प्यो नाल, धी दा मां नाल, धी दा मां नाल, पति दा पत्नी नाल, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, भरा भरा खून का प्यासा है, भरा भरा खून का प्यासा है, अपने पराए का भेदभाव भुल गया है, पुत्र का प्यो ना, धी का मां नाल, पत्नी पति का पत्नी नाल झगड़ा हो रहा है, भरा भरा खून का प्यासा हो गया है, पैसे का लोभ मनुख नू कई तरह दे, पैसे का लोभ मनुख नू कई तरह दे किनोने, कई तरह दे किनोने अपराध करन लई उपसारिया है, पैसे का अपराध मनुख नू कई तरह दे किनोने अपराध करन लई उपसारिया है, ए लोभ दा ही नतीजा है, लोभ एह लोभ दा ही भरा भरा खून दा पैसा हो गया है, ठीक है, पैसे दा लोभ कई तरह दे किनोने अपराध करन लई उपसारिया है, ए लोभ दा ही नतीजा है कि थां थां लुट कसुट कतल की थां थां कतल लुट कसुट अपहरण ते चोरी डकैती दिया घटनावां क्या चोरी डकैती दिया घटनावां वध रही हैं, घटनावां वध रही हैं, इस रोगी मानसिकता नूं बदलन दे लई, इस रोगी मानसिकता नूं बदलन लई सानू हर पद्धर ते सानू हर पद्धर ते यतन करने पैणगे, सानू हर पद्धर ते यतन करने पैणगे, चज्जे वाला हर पद्धर ते यतन करने पैणगे, हाँ लुटक सुट अपहरण ते चोरी डकैती दीआं वारदातां हो गईआं हन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, पैसे दा लोभ मनुख नूं की करवा रहा है, मैं एमसीक्यू को टाइम नहीं करना, की करवा रहा है पैसे दा लोभ, ये ऑप्शन भी मैं तुम दसांगी, टाइम हो गया फिर ऑप्शन में, ठीक है बारह मिनट ही रह गया, ठीक है, पैसे का लोभ मुख्य की करा रहा है, पैसे एक तो है बेटा इतने लुटक सुट, ठीक है, एक है भरा भरा खून का प्यासा, ठीक है, एक तो है परिवारिक संबंध पिछे, ठीक है, चौथा है सारे सारे, ठीक है सारे आ गए। सैकेंड क्वेश्चन है, मानवी शब्द का की अर्थ है, मानवी मनुखी रिश्ते, ऑप्शन नहीं मैं बोल रही, मनुखी रिश्ते, ठीक है, मानवी शब्द मनुखी रिश्ते। थर्ड है, इस पैरे दे विच दुरावे समासी शब्द की केड़ा वर्तों की है, दुरावे समासी शब्द केड़ा आया है, दुरावा, हाँ प्रा प्रा, ठीक है, दुरावा केड़ा समासी शब्द है, प्रा प्रा, मेरा पीरियड है
बाकी दो क्वेश्चन है मैं कल करा दूंगी, ठीक है? पीरियड लगे सारे, मैं तुम सेंड करांगी पीडीएफ बना के, ठीक है बेटा? ये बेटा प्लीज टेस्ट सबने देना है, ये एब्सेंट होंगे थोड़े हर टेस्ट तो 14, तो मैं लिस्ट पा रही हूँ जी, ये एब्सेंट हुए।